हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि फेस्टिव सीजन चल रहा है, करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है, तो हमको चाहिए कि हम नई नई ज्वेलरी भी पहने नए नए कपड़ों के साथ। सो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ज्वेलरी लेकर आई हूँ जिनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सो मैं आपको जितनी भी ज्वेलरी आज की वीडियो में दिखाऊंगी सारी अंडर 300 रुपीज़ हैं। जी हाँ, सारी की सारी 300 रुपये के अंदर हैं। आपको जितनी भी ज्वेलरी पीसेस मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ जो मैंने ज्वेलरी सेट्स मंगवाए हैं। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये वाला ज्वेलरी सेट। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत छोटू सा, बहुत ही प्यारा सा है। अगर आप कुछ हैवी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं। सो इसमें इस तरीके से ऊपर आपको मिल जाते हैं गोल्डन कलर के अमेरिकन डायमंड्स, और नीचे इसमें इस तरीके के पिंक कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं, जो कि जैसे डायमंड में रूबी टच होता है ना, रूबी लगी हुई होती है, उस टाइप से ये पूरा का पूरा आपको सेट मिल जाता है। और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप इसको सूट पे भी पहन सकते हैं, साड़ी पे, आप किसी भी ड्रेस पे आप इसको वेयर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इसमें इस तरीके से पार्टीशन दिए हुए हैं तो ये आपके जो नेक है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये फर्स्ट ज्वेलरी सेट मैंने मंगाया है। अभी मैं आपको इसको वेयर करके भी दिखाऊंगी, मैं साइड में वीडियो लगा दूंगी और तो आपको पता चल जाएगा कि ये पहनकर कैसा लगने वाला है। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। और इसके साथ हमें इयररिंग्स भी मिल जाते हैं, आपको दिखाती हूँ इसके इयररिंग्स। तो उसके इयररिंग्स भी बहुत छोटे हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं हैं बट छोटे हैं, जैसे कि ये नेक पीस है उसी के अकॉर्डिंग इयररिंग्स दिए गए हैं। सो आप देख सकते हो इस तरीके के ये इयररिंग्स हैं, इस तरीके से पिंक स्टोन लगाए गए हैं और ऊपर आपको इसमें गोल्डन कलर के डायमंड्स वाले स्टोन मिल जाते हैं। तो ये भी बहुत ही क्यूट लगते हैं पहनने के बाद। और ये वाला पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि मैं एक कोई भी नॉर्मल सिंपल सा सूट पहन रही हूँ तो मैं उस पर कुछ नेक पहन सकूँ, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं अच्छे लगते हैं। सो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो मैंने नेक पीस मंगवाया है वो एक गोल्डन कलर में है, और ये एक लॉन्ग नेक पीस है जैसे हमें सिल्क वगैरह की साड़ी पर पहनने के लिए चाहिए होता है। सो बिल्कुल ये वैसा ही है। सो अगर आपके पास भी कोई सिल्क वगैरह की साड़ी है जिसके लिए आप लॉन्ग कुछ चाहते हैं तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। चलिए मैं आपको इसको दिखाती हूँ पहले। सो सबसे पहले तो आप इसके लुक देखिए, कितना प्यारा है ये। और नीचे आपको इस तरीके से राउंड डिज़ाइन मिल जाता है, इसमें एक पर्ल भी लगा हुआ है। और इसमें ना ये जो डिज़ाइन है ना, इसका जैसे कॉइन होते हैं ना छोटे छोटे, उस तरह की डिटेलिंग इसमें लगी की हुई है। और इसकी जो साइड की चेन है उस पर कुछ इस तरीके के डिज़ाइन बने हुए हैं, आप देख सकते हो। बहुत ही प्यारा है ये भी, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ये पूरा गोल्डन में है, मतलब पूरा गोल्ड वाला लुक देता है ये। सो ये काफ़ी ज़्यादा, इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इतना ही आएगा वो तो मैं आपको साइड में पहन के दिखा दूँगी तब आपको पता चल जाएगा। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी, अगर आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। मुझे काफ़ी टाइम से इसको लेने का मन था, मैंने विश लिस्ट किया हुआ था तो फाइनली मैंने इसको मंगा लिया। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसके इयररिंग्स। तो इसके इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, आप देख सकते हो ये इसके इयररिंग्स हैं। और इसमें भी इस तरीके से पर्ल लगे हुए हैं नीचे, और बीच में जैसे इसका पेंडेंट है कुछ कुछ इस तरीके का डिज़ाइन इसमें यहाँ पे बीच में दिया हुआ है। सो इस तरीके के इसकी इयररिंग्स हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सिल्क वगैरह की साड़ी पर पहनने के लिए एकदम बेस्ट है। तो आप डेफिनेटली इसको भी देख सकते हो अगर आपको ऐसा। सो गाइज, नेक्स्ट जो मैंने नेक पीस मंगाया है वो है एक चोकर सेट, बहुत ही प्यारा चोकर सेट है। सो आप देखिए इसकी लुक कितना ज़्यादा प्यारा है, ये रेड कलर में है और बीच में इसमें इस तरीके से ना अमेरिकन डायमंड्स लगे हुए हैं, और बीच में एक ये पिंक कलर का रूबी लगा हुआ है, और नीचे एक पर्ल भी लगा हुआ है। बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत सुंदर लगा ये वाला। और इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आएगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि ये 200 समथिंग का है और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी सीरियसली मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है और अच्छे से नेक में फिट हो जाता है। सो आप इसको कंट्रास्ट, जैसे आपकी ग्रीन साड़ी है, येलो साड़ी है तो आप उस पर भी पहन सकते हैं, और रेड पर तो आप पहन ही सकते हैं। इसका कलर भी बहुत ही प्यारा वाला रेड है, आप देख सकते हो। सो ये भी मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप इसको मंगा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है इसकी। इसकी इयररिंग्स थोड़े से छोटे लगे मुझे, थोड़े बड़े होने चाहिए थे बट ठीक है चलो। तो इसके इयररिंग्स कुछ इस तरीके के हैं, जैसे इसमें नेक पीस में पेंडेंट दिया हुआ है ना कुछ कुछ उसी तरीके का, इसमें बस साइज़ इनका बहुत छोटा है, थोड़े से बड़े होने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम इस तरीके का चोकर पहनते हैं ना तो थोड़े से बड़े चाहिए ना, स्टड्स भी ये कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, लेकिन हैं बहुत क्यूट और बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं और आप इनको नॉर्मली ऐसे भी वेयर कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट भी मेरा एक चोकर सेट है और ये है एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी।
सो मैं आपको दिखा देती हूँ उसका चोकर, पूरा का पूरा सेट आया है ये, और इसमें इस तरीके से बीच में कुंदन लगे हुए हैं, और जो उनकी कुंदन की क्वालिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काफ़ी ज़्यादा शाइन करते हैं ये। और ये वाला ना मैंने रक्षाबंधन में पहना था और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मैं उसकी फ़ोटो भी ना कहीं कहीं साइड में इंसर्ट कर दूँगी। और आप देख सकते हो उसमें नीचे इस तरीके से पॉल की डिटेलिंग दी हुई है जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा सुंदर बना देती है। और ये ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है तो आप इसको अपनी कॉटन के सूट्स पे इजीली वेयर कर सकते हैं, साड़ी पे वेयर कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि एक ये भी मंगा के देखा जाए। वैसे तो मैं हमेशा जो फेस्टिव सीज़न होता है उसमें जो ट्रेडिशनल प्रॉपर होते हैं मैं उन्हीं की शॉपिंग करती हूँ, बट मैंने इस बार इसको ट्राई किया, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसका कुछ डिज़ाइन इस तरीके का है, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ सो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि इसकी डिज़ाइनिंग कैसी है। और इसमें साइड में इस तरीके से ना ब्लैक कलर का थ्रेड दिया हुआ है और एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारी की सारी ज्वेलरी अंडर 300 रुपीज़ है, तो ये भी 200 समथिंग का मुझे मिला था, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्राइस और कोड दे दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी इयरिंग्स, इसकी इयरिंग्स भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। सो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के इसके इयरिंग्स हैं, इन पर भी कुंदन लगा हुआ है और नीचे फॉल की डिटेलिंग दी हुई है। आप चाहें तो इनको ऐसे भी पहन सकते हो, जैसे आपको नेक में नहीं पहनना कुछ तो आप इनको पहन सकते हैं, क्योंकि जो इनका साइज़ है ना वो एकदम बेस्ट है, तो आप इनको नॉर्मली भी कैरी कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके के डिज़ाइन है बहुत। नेक्स्ट मैंने कुछ इयरिंग्स मंगाए हैं, कुछ झुमका वगैरह मंगाए हैं, सो मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये ऑक्सीडाइज झुमके, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, और इनकी क्वालिटी, इनका जो डिज़ाइन है सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको पहले तो पास से दिखा देती हूँ, उसमें पिंक कलर की आपको छोटी सी स्टोन मिल जाता है और नीचे इसमें पर्ल है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा प्यारे झुमके हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, इनका साइज़ बहुत सही है और पहनने के बाद ही ना बहुत सुंदर लगने वाले हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ चाहते हैं तो आप इनको ले सकते हैं। तो इसमें ना एक ग्रीन कलर भी है और आई थिंक दो ही कलर अवेलेबल हैं, पिंक और ग्रीन, तो मैंने पिंक मंगाया था। और इनका ना कॉम्बो भी आता है, अगर आप चाहें तो दोनों का कॉम्बो भी मंगा सकते हैं, बट मैंने तो ये पिंक वाला ही लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे ये क्वालिटी। सो गाइज नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल झुमका, सो ये है मल्टी कलर में और इसमें जो नीचे पर्ल लगे हुए हैं ना ये भी मल्टी कलर में है, तो ये काफ़ी सारी ड्रेस के साथ मैच होने वाले हैं। सो मैं इनको काफ़ी तरीके से पहनने वाली हूँ अलग अलग ड्रेसेस के साथ, बहुत ज़्यादा सुंदर हैं ये भी, आप देख सकते हो ये पूरे मेटल में है और गोल्डन टच है इसमें, और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं आप देख सकते हो, तो काफ़ी सारे कलर्स के ड्रेस के साथ आप इसको पहन सकते हो, मिक्स एंड मैच भी कर सकते हो। इनका जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है, बहुत ही अच्छा साइज़ है, अच्छे से दिखते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है बट बहुत छोटे भी नहीं हैं। और इसमें ना पीछे इस तरीके, सबसे अच्छी चीज़ मुझे जो लगी वो है जो इसमें पीछे का जो लॉक होता है ना वो कुछ इस तरीके का है कि आप इसमें अपने ईयर में डालो एंड ये बस हो जाता है, मतलब पीछे लॉक वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है। ये जो लॉक वगैरह का होता है ना, लॉक हो जाते हैं और कई बार चुभते हैं इस टाइप से, तो इनमें वो बिल्कुल भी झंझट नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ मुझे इनकी यही लगी है, बहुत ही प्यारे हैं, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी स्टर्डी हैं। और सो गाइस नेक्स्ट मेरे पास एक और झुमके हैं, बट ये बहुत ज़्यादा छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है बट मुझे कुछ छोटे में चाहिए थे, मेरे पास बहुत सारे बड़े ही बड़े थे तो मुझे लगा कि थोड़े छोटा साइज़ में भी होना चाहिए। सो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारे और बहुत ही ज़्यादा छोटे से एक टेम्पल वाले झुमका जो आते हैं ना वो है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, पहनने के बाद बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हमेशा ना बड़े बड़े नहीं अच्छे लगते हैं, कभी छोटे छोटे भी अच्छे लगते हैं। सो उस केस में आप ये वाले ट्राई कर सकते हो, इनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और जो इनका गोल्डन है ना वो जो ब्लैक गोल्ड आता है ना, मतलब जो एंटीक गोल्ड आता है सॉरी, तो ये एंटीक गोल्ड में है, तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो इनको। गाइस नेक्स्ट मैंने एक दो पीसेस मंगाए हैं इयरिंग्स में, जो कि मैं कुछ वेस्टर्न आउटफिट पर भी वेयर कर सकती हूँ, क्योंकि हमेशा मेरे पास झुमके वगैरह ही मैं मंगाती रहती हूँ। सो मैंने ये इस तरीके के मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये एक बहुत ही बड़ा सा पर्ल भी नहीं कह सकते इसको, ये एक स्टोन टाइप लगा हुआ है जो अलग अलग तरीके से शाइन करता है, आई डोंट नो कैमरे में आएगा या नहीं, बट ये मुझे अच्छे लगे, मैंने एक दो बार इनको वेयर भी किया है। और ये कुछ इस तरीके के हैं जो आपके वेस्टर्न आउटफिट पर काफ़ी अच्छे से जाएंगे। और तो जो इनकी जो आउटिंग है वो कॉपर में है कुछ, और बीच में इस तरीके के वाइट कलर का इसमें स्टोन लगा हुआ है, मुझे बहुत ही प्यारे लगे, वो छोटू से हैं क्यूट से, क्योंकि वेस्टर्न आउटफिट पर मैं बहुत ज़्यादा बड़े इयरिंग्स नहीं पहनती, मुझे कुछ इसी तरीके के चाहिए थे। और इसके अलावा मेरे पास एक और है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस नेक्स्ट भी मैंने इयरिंग्स मंगाए हैं जो कि मैंने अपने वेस्टर्न आउटफिट पर पहनने के लिए मंगाए हैं,
और ये ग्रीन कलर में मैंने मंगाए हैं क्योंकि मेरे पास एक दो ग्रीन ड्रेसेस हैं, तो मैंने उनके ऊपर पहनने के लिए ये मंगाए थे और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। इवन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसमें ना दो तीन कलर और अवेलेबल हैं, लाइक रेड है और आई थिंक ब्लैक भी है, तो मैंने ग्रीन मंगाए क्योंकि मुझे ग्रीन चाहिए थे। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वहाँ पर, और भी कलर्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। सो गाइज, नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाली हूँ कुछ ब्रेसलेट्स या फिर आप बैंगल्स भी बोल सकते हो। ये एक सिल्वर कलर में इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेसलेट है, आप देख सकते हो इस तरीके से ये हैंड में एडजस्ट हो जाता है, इस तरीके से आप अपने हैंड में एडजस्ट कर सकते हो। और इसमें ये इस तरीके से झुमके लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, और इसमें मल्टी कलर के बॉल यूज़ किए गए हैं, और ऊपर से इस तरीके से डिज़ाइनिंग है इसमें, मतलब अच्छा लगा काफ़ी। ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ आप इसको पहनेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाला है, और ये ना बजते भी हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो भी अगेन इसी तरीके की एक ब्रेसलेट है, बस ये गोल्डन कलर में है और इसमें जो ऊपर जो लेयर्स हैं वो कम हैं, उसमें ज़्यादा थी। अच्छा, इसमें इस तरीके से ना कलरफुल पर्ल्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं, इसमें शायद नहीं आ रहे हैं। और इसके बाद इसमें इस तरीके से यहाँ पे झुमके की डिटेलिंग दी हुई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बजता भी है ये। और एक मैंने सिल्वर में मंगाया है और एक मैंने गोल्डन में मंगाया है, तो ये दोनों ही सभी जो आउटफिट हैं उनसे मैच कर जाएंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इनकी। और अगर आपको भी कुछ डिफरेंट पहनना है तो आप इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, कुछ यूनिक है। सो गाइज, नेक्स्ट आई हैव दिस ब्यूटीफुल ब्रेसलेट्स या फिर बैंगल्स आप बोल सकते हो। ये एक ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, जो मतलब ऑक्सीडाइज बैंगल हैं ये, और इस तरीके से ये ओपन हो जाते हैं और आपके हैंड में एडजस्ट हो जाते हैं जैसे भी आपका साइज़ है। बहुत ही प्यारे लगते हैं पहनने के बाद, मैंने काफ़ी टाइम से इनको देखा था, काफ़ी मैंने यूट्यूबर्स के पास भी इनको देखा था, तभी से मैं मतलब मुझे था कि मैं इनको मंगाऊंगी, और फाइनली मैंने इनको परचेज़ किया और मैं आप लोगों के साथ इनको शेयर कर रही हूँ। सो गाइज़, ये कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग इसमें दी गई है, और इस तरीके से ना कुछ डिज़ाइन है इसमें, और हर एक में इस तरीके से घुंघरू लगाए हुए हैं। क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है इनकी, और ये आपको पेयर मिलता है और पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। सो गाइज, लास्ट पीस जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है एक माथा पट्टी, या आप शीश फूल भी बोल सकते हैं, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। सो मैंने सोचा कि मैं भी लेकर देखती हूँ कि किस तरीके का ये लगता है। सो ये कुछ इस तरीके का शीश फूल बोलते हैं इनको, शीश फूल है, जिसमें आपको यहाँ पर इस तरीके से मांगटीका मिल जाता है और ऊपर इस तरीके से एक लेयर मिल जाती है जो कि पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। अभी तो मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ क्योंकि मैंने उस तरीके से ड्रेस नहीं पहनी है, बट जब मैं इसको अच्छे से पहनूंगी ना अपनी ड्रेस वगैरह के साथ तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। और जैसे कि करवा चौथ है तो आप करवा चौथ के हिसाब से इसको ले सकते हैं, उस पर आप इसको पहन सकते हैं अपनी ड्रेस पर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने वाली है। डेफिनेटली मैं इसके साथ कोई लुक ज़रूर करूँगी, या फिर मैं इसको करवा चौथ पर पहनूंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बहुत ही प्यारा है। अब मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ। देखिए, इसमें इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है यहाँ पर टीका, इसमें अलग अलग कलर के जो हैं स्टोन्स लगे हुए हैं, ग्रीन है, पिंक है, रेड है, वाइट है, तो ये मल्टी कलर में है तो आपके सारे ड्रेसेस के साथ मैच कर जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से क्राउन डिज़ाइन बना हुआ है जिसमें काफ़ी सारे कुंदन वगैरह लगे हुए हैं, और नीचे इस तरीके से टीका है ये, साइड में इस तरीके से डिटेलिंग दी हुई है, और यहाँ पर साइड में आपको एक लॉक मिल जाता है अपने बालों में एडजस्ट करने के लिए। ये देखिए, इस तरीके से लॉक मिल जाता है आपको, और बहुत ही प्यारा, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। मैंने कुछ न्यू ट्राई किया क्योंकि मैंने इससे पहले ये कभी नहीं मंगवाया था। गाइस, सभी ज्वेलरी के कोड और आपको जो प्राइस है वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और सारी सारी ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, सारे अफोर्डेबल प्राइस में मैंने खरीदी है, और काफ़ी टाइम से मैं सर्च करती रहती हूँ, मंगाती रहती हूँ, और जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आती वो मैं वापस कर देती हूँ, तो जिसकी क्वालिटी अच्छी रहती है वो मैं आप लोगों के सामने मतलब दिखाती हूँ आप लोगों को। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और आगे आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं। सो वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।